हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल साजिम किचन होम 786 में आप सबका स्वागत है। और आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूंगी वो है जो बची हुई लेफ्ट ओवर जो नान है उसका जो है हम लोग क्या बनाएंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैंने जो बचा हुआ जो नान था वो लिया है और उसको जो है फ्राई पैन में मैंने डाल दिया है ताकि उसको हल्का हल्का सा मैं गर्म करूँगी उलट पुलट करके। मेरे बेटी को जो था ना एक्चुअली नान खाने का था, चीज़ गार्लिक नान खाने का था। तो मेरे पास जो है सिर्फ नान बचा हुआ था, चीज़ गार्लिक नान जो है वो ख़त्म हो चुका था। तो अब उसको खाने के लिए अब मैं क्या बनाऊँ, तो इसलिए मैंने क्या किया, जो नान बचा था उसके ऊपर मैंने बटर डाल दिया है ऐसे, ताकि बटर डालने से जो नान था वो जो है सॉफ्ट हो जाएगा और उसको जो है हल्का हल्का आप सेक लेना ताकि वो बहुत ही नरम हो जाएगा। तो आप जब भी ऐसे लेफ़्ट ओवर जो नान है उनको अगर रीयूज़ आपको करना है तो उस पर जो है आप पहले बटर से इसको हल्का सा गर्म कर लेना और फिर जो है मैंने गार्लिक जो चॉप किया था वो उसके ऊपर मैंने डाल दिया है। एक्चुअली जो क्या है, आप गार्लिक और बटर ना पहले थोड़ा सा हल्का फ्राई कर लेना। तो मेरी बेटी को बहुत ही ज़्यादा भूख लगी थी तो मैंने गार्लिक वैसे ही डाल दिया और उसमें ही मैंने सेक लिया है उसको। उसके बाद जो है मैंने चीज़ को जो है इस पोती के अंदर मैंने डाल के उसको रोल बनाया है ताकि मैं अच्छे से उसके ऊपर जो है चीज़ डाल सकूँ। तो आप देखना किस तरीके से आप डालना चाहेंगे, आप वैसे डाल सकते हैं चीज़। तो मैंने जो है इसको डाल के अच्छे से गोल गोल घुमाया है ताकि चीज़ जो है बहुत ही अच्छे से उसको लग जाए। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये अच्छा गर्म भी हो चुका है और मैं इसको अब निकाल दूंगी। तो आप देख सकते हैं कि मेरा चीज़ गार्लिक नान जो लेफ़्ट ओवर नान था उससे मैंने बनाया है वो रेडी हो चुका है और बहुत ही यम्मी लग रहा है और खाने में भी बहुत, मतलब ये फ्रेश जैसा लगेगा आपको, बिल्कुल भी आपको लेफ़्ट ओवर नान की फीलिंग नहीं आएगी। तो ये देख सकते हैं बहुत ही यम्मी है। तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।